So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the MCQs of fiscal audit. See, हमने GST audit के MCQs and Q&A कर लिए थे, साथ ही हमने जो है income tax audit के भी Q&As कर लिए, पर हमें MCQs करना बचा था. और MCQs के लिए separate series issue हो रही है. MCQ के लिए आपको separately एक video मिलेंगे, separately सबके video मिलेंगे. तो जिसको MCQs करना है तो वो MCQs कर ले, क्योंकि कितने लोग ये भी सोचते हैं कि MCQ एग्ज़ाम में आते ही नहीं, या मतलब एग्ज़ाम में नए MCQs आते तो हम क्यों करें, तो इसलिए लोग MCQs नहीं करते. तो इसलिए हम जो है इसके लिए सेपरेट वीडियो इशू करते हैं. बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं. इस MCQ की सीरीज़ में GST के भी MCQs आ जाएंगे. अब देखो, ठीक है, जेन लिमिटेड इज़ अ मीडियम साइज कंपनी जिसके ऑपरेशंस गाज़ियाबाद एंड लखनऊ में है. तो जैन लिमिटेड इज़ अ मीडियम साइज कंपनी, ऑपरेशन गाज़ियाबाद एंड लखनऊ में है और कॉर्पोरेट ऑफिस बेस्ड इन दिल्ली. अब क्या है कि माइग्रेशन ऑफ ERP पैकेज हुआ, ठीक है. तो माइग्रेशन ऑफ ERP पैकेज, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर फाइनलाइज वेरी लेट, क्योंकि वो माइग्रेशन हुआ ना ERP पैकेज का, तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनलाइज हुए वेरी लेट. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर 2018, और इस कंपनी पर टैक्स ऑडिट भी एप्लीकेबल होता है. तो सिंस जो कंपनी है इंटरनल डिस्टर्बेंस फेस कर रही है, तो टैक्स ऑडिट भी कुड नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड द कंपनी डिसाइडेड टू सबमिट इट्स इनकम टैक्स रिटर्न ऑन टाइम एंड 3CD एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लेटर ऑन. तो देखो, समझो कि ये मीडियम साइज कंपनी है, गाज़ियाबाद लखनऊ में है, कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है, ERP पैकेज का माइग्रेशन हुआ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बाद में फाइनलाइज हुए. और ठीक है, तो बाद में फाइनलाइज हुए तो फाइल भी लेट ही हुए, ठीक है. बट वर फाइल विद द रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑन नहीं ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज वेरी लेट बट फाइल विद द रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑन टाइम, ठीक है. लेट फाइनलाइज हुए पर रेगुलेटरी अथॉरिटी को हमने टाइम पे दिया, राइट. फाइल विद द रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑन टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैचू. और 31/5/18 की बात करें तो ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न वो है 31 अक्टूबर, टैक्स ऑडिट भी अप्लीकेबल होता है. अब कंपनी में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है तो टैक्स ऑडिट तो टाइम पे नहीं हो पाया, पर रिटर्न टाइम पे भर दिया एंड फॉर्म 3CD एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म 3CD एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लेटर ऑन, डेट इज आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न वंस दैट इज प्रॉपरली ऑडिटेड. तो मुझे बताओ कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट किए, जबकि टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है, इधर लिख दिया है, तो सही है. देखो, ये तो हमने भी ऑफिस में देखा है कि रिपोर्ट हम पहले जाती है और रिटर्न बाद में जाता है. रिपोर्ट के जो फिगर्स है वो मैच होने चाहिए रिटर्न के फिगर्स के साथ. तो इनकम टैक्स रिटर्न शुड बी फाइल अलॉन्ग विद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. तो या तो गलत हो गया कि राइट कर रही है, रिटर्न एडवाइस क्या लेना है टैक्स कंसल्टेंट से, तो डायरेक्ट देख ही रखा है, इजी है ये. अगला, निशा लिमिटेड इंगेज ए बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ केमिकल, और ये एक स्मॉल साइज कंपनी है, बट ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर क्राइटेरिया टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है. कंपनी हैज़ बीन फाइलिंग इट्स इनकम टैक्स रिटर्न, वो तो टाइम पर फाइल कर रही है, एंड अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स ऑडिट इज़ टू इंश्योर दैट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन बाय द SSC. Considering the fact that companies also required to get this accounted audited as per the requirements of Companies Act. तो कंपनी एक्ट से भी करवाना ऑडिट, इनकम टैक्स से भी करवाना है, राइट. और ITR भी टाइम पर फाइल करती है. इट वुड लाइक टू अवेल द एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स ऑडिट, उसको ये टैक्स ऑडिट की एग्जेम्पशन अवेल करनी है. इफ दैट इज़ नॉट पॉसिबल देन द कंपनी वुड गो फॉर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट हु इज़ कॉस्ट इफेक्टिव. वो ये बोल रहे हैं कि जब हमें IT से भी ऑडिट करवाना है, ठीक है, कंपनी एक्ट से भी ऑडिट करवाना है, तो या तो मुझे एग्जेम्पशन दो, अगर ये नहीं है तो हम तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट करवाएंगे क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, तो प्लीज़ सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी करेक्ट. तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो केमिकल में, स्मॉल साइज कंपनी है, टैक्स ऑडिट जब एप्लीकेबल है, रिटर्न टाइम पे भरते हो और आपको कंपनीज एक्ट से भी रिक्वायरमेंट है ऑडिट कराने की, ये ऐसे एग्जेम्पशन थोड़ी ना मिलेगा.
ऐसे एग्जेम्पशन रैंडमली थोड़ी ना मिल सकता है। तो ये जो बोल रहे हैं कि इन द गिवन सिचुएशन मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। देखो, ये आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराना पड़ेगा। अब ये अवेल बोल रहे हैं एग्जेम्पशन, ये तो होगा नहीं। ये भी अवेल बोल रहे हैं, ये तो होगा नहीं। आरजे एंड एसोसिएट हैव बीन स्टैट्यूटरी ऑडिटर एसएच कंपनी का। आरजे एसएच अ पार्टिसिपेंट फॉर मैनी ईयर टैक्स ऑडिट ऑफ एसएच वाज परफॉर्म बाय केजे। जो एसएच का टैक्स ऑडिट है ना, राइट, वो परफॉर्म कर रहा है केजे टैक्स। ठीक है, तो आर जे एसोसिएट हैज बीन स्टैचुटरी ऑडिटर ऑफ एस एच। आर जे स्टैचुटरी ऑडिटर है एस एच का, एंड टैक्स ऑडिट तो के जे कर रहा है। तो दो डिफरेंट ऑडिटर है। अब के जे, राइट, जो अपना टैक्स ऑडिट कर रहा है, रिजाइन एज टैक्स ऑडिटर ऑफ एस एच कंपनी ड्यू टू देयर पर्सनल रीजन। एस एच अपॉइंटेड आर जे, राइट, उसको भी अपॉइंट कर लिया। अब इंगेजमेंट लेटर ऑफ आर जे एज स्टैचुटरी ऑडिटर वॉज ऑलरेडी साइन, तो आरजे ने मूव कर दिया अहेड विदाउट साइनिंग अनदर इंगेजमेंट लेटर। तो आरजे मूव अहेड विदाउट साइनिंग अनदर इंगेजमेंट लेटर, कि इंगेजमेंट लेटर दूसरा कौन साइन करे फॉर द टैक्स ऑडिट, सिंस मोस्ट ऑफ द टर्म्स रिलेटिंग टू इंगेजमेंट वर कवर्ड इन द इंगेजमेंट लेटर ऑफ स्टैचुटरी ऑडिट। स्टैट ऑडिट का इंगेजमेंट लेटर है, टैक्स ऑडिट का मैं क्यों करूँ? ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहे थे, सिंस मोस्ट ऑफ द टर्म्स कवर, द इंगेजमेंट लेटर वॉज ऑलरेडी साइन, स्टैचुटरी ऑडिटर का ऑलरेडी साइन, एंड आर जे एसोसिएट मूव अहेड विदाउट साइनिंग अनदर इंगेजमेंट लेटर फॉर द टैक्स ऑडिट, सिंस मोस्ट ऑफ द टर्म्स रिलेटिंग टू इंगेजमेंट कवर्ड इन इंगेजमेंट लेटर ऑफ स्टैचुटरी ऑडिट एक्सेप्ट एडिशनल स्कोप एंड फी विच वॉज प्रिंसिपली एग्रीड बिटवीन बोथ द पार्टीज। प्लीज सजेस्ट एडिशनल स्कोप एंड फीस, ये कवर नहीं रहती है, तो वो प्रिंसिपली एग्रीड हो गए बिटवीन बोथ द पार्टीज। प्लीज सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। नोट करना कि हमें इंगेजमेंट लेटर अनादर साइन करना पड़ेगा टैक्स ऑडिट के लिए, राइट। चलो, एबीएन कंपनी एलएलपी इज अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग फाइव पार्टनर। द फर्म स्पेशलाइज्ड इन टैक्सेशन वर्क। तो एसीएन कंपनी एलएलपी इज अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके अंदर पांच पार्टनर है। फर्म स्पेशलाइज्ड इन टैक्सेशन वर्क एंड ऑल्सो साइन लार्ज नंबर ऑफ स्टैचुटरी ऑडिट। तो क्या बोला है कि फर्म स्पेशलाइज है इन टैक्सेशन वर्क। फर्म स्पेशलाइज है, दी फर्म स्पेशलाइज इन टैक्सेशन वर्क एंड हैज़ ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ स्टैचुटरी ऑडिट। ठीक है, तो अच्छी बड़ी फर्म है। फर्म हैज़ रिसीव वेरियस रिक्वेस्ट फॉर न्यू टैक्स ऑडिट, की ले लो ऑन द बेस ऑफ लिमिट असाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट। तो कितने वो ले सकते हैं, पाँच पार्टनर में तो 300 तो ले सकते हैं। तो 300 कॉर्पोरेट, 300 नॉन कॉर्पोरेट, ये तो नहीं चलेगा। 300 टैक्स ऑडिट इन टोटल चलेगा, तो ये तो नहीं चलने से रहा। और ये ऐसा भी नहीं चलेगा 300-300 करके, वही कैन नॉट एक्सेप्ट की तो बात ही नहीं आती है। चलो, हाँ, एओपी प्राइवेट लिमिटेड करंटली इंगेज इन क्लोजिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। क्या बोल रहे हैं, एओपी प्राइवेट लिमिटेड करंटली इंगेज है इन क्लोजिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बिजी है अभी, राइट, ये बिजी है। द कंपनी हैज़ ऑलवेज बीन अ कंप्लायंस सेवी एंड वो कंसल्टेंट इंगेज करते ही हैं। बिजनेस कंपनी का स्टेबल है, प्रॉफिट भी अच्छा है। कंपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी टाइम पे करवाया। सिंस रजिस्ट्रेशन द कंपनी हैज़ बीन फाइलिंग स्टेटमेंट रिटर्न्स GST R3B। रजिस्ट्रेशन से कंपनी हैज़ बीन फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न GST R3B। तो 3B फाइल कर रहे हैं पर एनुअल रिटर्न GST R9 फाइल नहीं कर रहे। तो 3B फाइल किया, 9 फाइल नहीं किया, तो प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस इशू करा फॉर फेलियर टू फाइल एनुअल रिटर्न। ठीक है, तो प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस इशू करा फॉर फेलियर टू फाइल एनुअल रिटर्न विद इन 15 डेज। इवन देन तब भी कोई एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा, मतलब इतना बड़ा वाला ये। अब प्रॉपर ऑफिसर के नोटिस के बाद भी फाइल नहीं कर रहा है, तो ये नॉन फाइलर हो जाएगा। इसको बोलते हैं फिर नॉन फाइलर। फुल्ली कंप्लेंट तो बोलने से रहे, डिस्कस्ड मैटर तो कुछ है नहीं। डिजाइनेशन डेजिग्नेशन की बात भी नहीं आती। एज एन ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर 44AB अंडर विच क्लॉज ऑफ फॉर्म 3CD यू विल रिपोर्ट द अमाउंट डीम्ड टू बी प्रॉफिट एंड गेन। डीम्ड प्रॉफिट एंड गेन 32AC AD ये सब किधर आते हैं? जी देखो, आपका आएगा डीम्ड प्रॉफिट एंड गेन, राइट, डीम्ड टू प्रॉफिट। हम इसमें दिमाग लगाओ कि पहले डीम्ड टू बी प्रॉफिट किधर आएगा। तो देखो, ये आपका है डीम्ड प्रॉफिट,
24, राइट, आपका डीम प्रॉफिट 24। तो ये मानते हुए कि 24 साल से इंसान कमाना चालू करता है तो डीम्ड प्रॉफिट। अब सुनील जो है वो मेंबर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का और कंडक्टिंग द बिजनेस इन सिक्योरिटीज। अब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 17-18 द फर्म हैज़ कंडक्टेड बिजनेस ऑफ सिक्योरिटीज फॉर 30 डेज विद इनकम 2 लाख ओनली। तो BSE का मेंबर है और सिक्योरिटीज़ का बिजनेस करता है और बिजनेस करा है फॉर 30 डेज विद इनकम ऑफ 2 लाख ओनली और सेबी सेंड अ लेटर टू द फर्म फॉर गेटिंग अकाउंट्स ऑडिटेड। अब वो बोल रहे बिजनेस कर रहे तो अकाउंट्स भी ऑडिट करवाओ। अब सुनील का ये कहना है कि मैंने सिर्फ 30 दिन ही करा, मैंने 30 दिन ही बिजनेस किया और 2 लाख इनकम कमाई है, तो मेरा कोई एक्टिव बिजनेस नहीं है तो मेरा ऑडिट कराने का कोई मतलब नहीं है, तो क्या ये सही है? पर एज़ पर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल अब ये हमको एप्लीकेबल तो है नहीं, तो ये तो देखने से रहे हम। 3CD रिपोर्टिंग। MNC लिमिटेड इंडिया इज़ अ सब्सिडियरी, तो US की सब्सिडियरी है इंडिया। LLP एसोसिएट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MNC लिमिटेड। LLP एंड एसोसिएट हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय MNC लिमिटेड फॉर ऑडिट ऑफ स्टैचुटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। MNP एंड एसोसिएट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टैचुटरी ऑडिटर ऑफ रिपोर्टिंग पैकेज ऑफ MNC लिमिटेड। MNP एंड एसोसिएट, अच्छा LLP एंड एसोसिएट की जगह इनको MNP एंड एसोसिएट लिखना था, ठीक है। अब वो टैक्स ऑडिटर है MNC के, सी समझो MNC लिमिटेड इंडिया वो US की सब्सिडियरी है। MNP एसोसिएट हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय MNC लिमिटेड, मतलब इंडिया की कंपनी हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय MNC लिमिटेड फॉर ऑडिट ऑफ स्टैचुटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। MNP हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द रिपोर्टिंग पैकेज ऑफ MNC लिमिटेड, ऑडिटर ऑफ रिपोर्टिंग पैकेज और विच इज़ रिक्वायर्ड ऑफ फॉर कंसल्टेशन पर्पस। अब MNC जो है टैक्स ऑडिटर भी है, तो वॉट शुड बी फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ MNP एंड एसोसिएट ऑन फॉर्म 3CD। एक मिनट, वॉट शुड बी द फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ MNP एसोसिएट ऑन फॉर्म 3CD? जी क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग, और ये जो ऑडिटर है ये ऑडिटर बना है ऑफ रिपोर्टिंग पैकेज, ऑडिटर ऑफ रिपोर्टिंग पैकेज। तो इधर आपको समझना पड़ेगा ये है ऑडिटर ऑफ रिपोर्टिंग पैकेज। देखो पॉइंट ये है कि जब आपको मैंडेटरी ऑडिट कराना है अंडर एनी लॉ अदर देन इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ के अलावा किसी अदर लॉ में आपको मैंडेटरी ऑडिट करवाना है तो ऐसे केस में 3CA प्लस 3CD जाता है। तो देखो इधर अगर हम बात करें तो अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ रिपोर्टिंग पैकेज, ओके लिखा विच इज़ रिक्वायर्ड, ये तो ज़रूरी है फॉर कंसोलिडेशन पर्पस, राइट। तो MNP एसोसिएट अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ रिपोर्टिंग पैकेज ऑफ MNC लिमिटेड प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर जो भी है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। MNP एसोसिएट आर ऑल्सो द टैक्स ऑडिटर ऑफ MNC लिमिटेड, तो ऐसे केस में ये ज़रूरी है, मैंडेटरी टू डू द ऑडिट अंडर देन इनकम टैक्स लॉ, तो ऐसे केस में आपको 3CA फाइल करना पड़ेगा। रिपोर्ट की बात करें तो 3CA फाइल करना पड़ेगा, इसलिए लिखा है 3CA। 3CA भी जाएगा नहीं क्योंकि ये मैंडेटरी है टू ऑडिट अंडर एनी लॉ अदर देन इनकम टैक्स लॉ, तो वो उधर मैंडेटरी है ऑडिट करवाना, और इनकम टैक्स लॉ में अगर वो मैंडेटरी नहीं होता तो ऐसे केस में 3CB प्लस 3CD जाता। और शुड रिपोर्ट एज पर इंटरनल फॉर्मेट, रिपोर्टिंग इंटरनल फॉर्मेट के आधार पे तो होगी नहीं, और फॉर्मेट इशूड एज पर ICDS ये सब भी नहीं, ओके। राजीव लिमिटेड इज़ अ लिस्टेड कंपनी, हैविंग बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोशन पिक्चर। कंपनी वॉन्ट टू अपॉइंट GST ऑडिटर फॉर द पर्पज समबडी हु इज़ फैमिलियर विद द बिजनेस, जो फैमिलियर हो उसको प्रेफर कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, राइट, जो फैमिलियर हो, दैट इज़ हु हैव वर्क विद इन द कंपनी, जो कंपनी के अंदर ही जिसने काम किया है वो फैमिलियर रहेगा, तो एफर्ट्स और डुप्लीकेशन हटाने के चक्कर में एफर्ट्स और डुप्लीकेशन हट जाएगा, तो हु हैव वर्क विद द कंपनी इन द पास्ट टू अवॉइड एफर्ट एंड डुप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू गेट द GST ऑडिट कम्प्लीटेड। तो इधर
कंपनी हैड फॉलोइंग ऑप्शन फॉर द सेम, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर ले क्या इस काम के लिए? नहीं हो सकता, ये जॉइंटली भी नहीं हो सकते, टैक्स कंसल्टेंट के साथ भी नहीं हो सकते, जब स्टेट, ठीक है नहीं हो सकते, सिर्फ स्टेट ऑडिटर ही होते हैं। तो समझो अगर हम जीएसटी ऑडिट केस में जाए तो तीन तरीके के ऑडिट होते हैं, 35, 5, 65 एंड 66। अब CA CWA होना चाहिए राइट, और इंटरनल ऑडिटर नहीं होगा, और इंटरनल ऑडिटर जॉइंटली स्टैचुटरी ऑडिटर से भी नहीं हो पाएगा। अब आया MTB का क्वेश्चन कि आर के एसोसिएट आर द टैक्स ऑडिटर ऑफ OPQ। तो RK वो है OPQ के टैक्स ऑडिटर, वाइल परफॉर्मिंग प्रोसीजर इन द रिस्पेक्ट ऑफ क्लॉज 21D, देखो 21D आया, 21 आता है अपना कैप का राइट, तो आर के एसोसिएट जो है वो टैक्स ऑडिटर है OPQ का, अब वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है 21D की, कुछ पेमेंट वाउचर्स मिले, अब देखो 21A है, 21D अपना आ जाएगा डिसअलाउंस वाला, कुछ पेमेंट वाउचर है वेयर इन कैश पेड एक्सीड 50,000 ड्यूरिंग अ डे, टैक्स ऑडिटर वॉन्ट द मैनेजमेंट टू रिपोर्ट ऑल दिस पेमेंट इन फॉर्म CCD, ठीक है। हवे जो मैनेजमेंट हैज़ अ डिफरेंट व्यू, मैनेजमेंट सेड दैट पेमेंट वाउचर इज वन ऑफ वेरियस पेमेंट, वो बोल रहे हैं जो पेमेंट वाउचर है वो एक ही है, पर वेरियस पेमेंट मेड ड्यूरिंग अ डे टू वेरियस अदर पार्टीज, बट एनी पेमेंट मेड टू वेरियस पार्टीज और ऑल पेमेंट टेकन टुगेदर ड्यूरिंग अ डे टू अ सिंगल एंट्री डू नॉट एक्सेप्ट क्राइटेरिया फॉर रिपोर्टिंग। वो बोल रहे हैं कि वाउचर सेम है पर एक ही वाउचर है, पर ये पेमेंट एक ही दिन में बहुत सारी पार्टीज को पे करा हुआ है, तो फिर ऐसे कैसे रिपोर्टिंग नहीं होगी? क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि अगर आप देखो 43 में तो ये डिसअलाउंस का सेक्शन है, तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा अगर असेसी ने इंकर करा कोई सा एक्सपेंडिचर इन अ पर्सन टू एक्सपेंडिचर, अगर असेसी ने इंकर करा एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट एक्सीड 10,000 असेसी इनकर एनी एक्सपेंडिचर इज अलाउ इफ असेसी इनकर एनी एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा अगर असेसी ने इनकर करा एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कोई सा खर्चा करा जिसके रिस्पेक्ट में पेमेंट करना पड़ रहा है टू अ पर्सन इन अ डे एक्सीड 10,000 अदरवाइज इन बाई अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट। तो स्टार्टिंग ऐसी है कि एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउ, अगर एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा इफ असेसी इनकर एनी एक्सपेंडिचर टू अ पर्सन, ठीक है असेसी इनकर एनी एक्सपेंडिचर और विच वो एंड वो एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ विच असेसी इनकर एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट एक्सीड 10,000। तो इधर ये बोल रहे हैं कि कोई भी पेमेंट सिंगल पार्टी को नहीं कराए तो वो रिपोर्ट नहीं होगा, ये तो हमने समझ ही लिया था, इट शुड बी रिपोर्टेड, ये सब तो होगा नहीं। चलो अब देखो, KTK वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ यूथ लिमिटेड, जो KTK है वो एम्प्लॉय है यूथ का, वो इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड, वो रिटायर हो गया अपने सर्विस से 30 सितंबर को, एज इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बाय प्रोफेशन, 27 अक्टूबर 2018 को उसने रिटेल बिजनेस चालू करा, और KTK प्रोवाइड यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टर्नओवर, कि इसका ग्रॉस टर्नओवर ये है, गुड्स रिटर्न कैश डिस्काउंट रिटर्न्स ये सब उन्होंने बता के रखे। बिजनेस कब चालू करा था इसने आपको, ओके फाइनेंशियल ईयर एंडेड 20 का उसने बता के रखा, मतलब 1920 की पूरी डिटेल्स उसने दे के रखी। अब एज पर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एवरी पर्सन जो कैरी कर रहा है बिजनेस ऑन शेल, अगर टोटल सेल्स एक्सीड हो जाए 1 करोड़ के तो ऑडिट अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसीडर एज अ रीज़न फॉर एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी, अब देखो ये टर्न ओवर है, अब गुड्स ये लेस कर दिया, गुड्स रिटर्न ठीक है, कैश डिस्काउंट अलाउड, पर ये मेमो में रहता है तो माइनस होता है, अदरवाइज माइनस नहीं होता, तो कायदे से ये 0.5 करोड़ नहीं होना चाहिए माइनस, तो कायदे से इसको 97 करोड़ को प्लस 0.05 करो तो 1 करोड़ से ऊपर हो रहा है, और साथ ही साथ कमीशन ऑन सेल भी है, कमीशन ऑन सेल भी माइनस थोड़ी ना होता है तो उसको भी ऐड करो, तो ऐसे केस में 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है, टैक्स ऑडिट तो कराना चाहिए, और 97.05
1.03 करोड़ ऐसा हो रहा है, टैक्स ऑडिट कराना चाहिए। अब देखते हैं, देखो यही लिखा हुआ है कि टर्नओवर 1.03 करोड़ है, बाकी जो ये बोल रहे हैं 0.98, 0.97, 1.25 ये तो होगा नहीं। चलो ये हो गया हमारा। सुदर्शन रो इज हैविंग 5 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया, ब्रांच वाइज टर्नओवर ऐसा ऐसा है। अब ब्रांच वाइज टर्नओवर, अब टोटल टर्नओवर देख लो कितना हो रहा है, 5 करोड़ से ऊपर हो रहा है, तो ऐसे कैसे तो ऑडिट तो हो जाएगा, सारी ब्रांचेस का ऑडिट होगा भैया। उधर 5 करोड़ नहीं, टर्नओवर 2 करोड़ है राइट, तो ऐसे कैसे सबका ऑडिट होगा। अब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च सबका विकास इंसेंस क्लेम रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी फॉर 2 करोड़। ओके, क्लेम करा है, क्लेम करा है, अभी सामने वाले ने एडमिट नहीं करा, बट सच रिफंड वॉज एडमिटेड बाय एस ड्यू बाय अथॉरिटी इन अप्रैल 21, मतलब कि फिनेंशियल ईयर 21-22 में एक्सेप्ट हुआ है। तो सबका विकास एंड सन नाइदर क्रेडिटेड द क्लेम इन PNL अकाउंट नॉर रिपोर्टेड द सेम, क्योंकि सही है ना, रिपोर्ट करना भी नहीं चाहिए क्योंकि एडमिट तो उसने बाद में किया ना 21-22 में, तो सही तो किया है, रिपोर्ट नहीं करना सही है, तो शुड बी रिपोर्ट तो नहीं आना चाहिए। देखो नीड नॉट रिपोर्टेड एज इट इज एज एडमिटेड बाय कस्टम अथॉरिटी इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दिख रहा है वो, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड सही लिखा है, एज इज नॉट कवर्ड ये तो गलत है, इज नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज 16 में तो आता है। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की तो बात ही नहीं है कि मैनेजमेंट से ले लो, स्टेटिंग दैट रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी विल बी क्रेडिटेड टू PNL अकाउंट एंड नो रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड, ये मतलब कुछ तो भी है। ऑडिटर शुड टेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट स्टेटिंग दैट रिफंड जो है विल बी क्रेडिटेड टू PNL अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 22। वो बोल रहे हैं कि सिंस PNL में क्रेडिट हुआ है 22 को, तो इसलिए रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, अगर 21 में होता क्रेडिट तो हम रिपोर्टिंग करते थे, जबकि रीज़न ऐसा है कि एडमिटेड एज ड्यू बाद में हुआ है इसलिए रिपोर्टिंग बाद में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि PNL में क्रेडिट बाद में हो रहा है इसलिए बाद में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एजेंट कंपनी LLP फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 10 पार्टनर है, गुड पोर्टफोलियो है स्टैचुटरी ऑडिट का, बट द सेम क्लाइंट हैज तो एजेंट कंपनी LLP इज अ फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, 10 पार्टनर है, गुड पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट है फॉर स्टैचुटरी ऑडिट, बट द क्लाइंट हैड सम अदर फॉर्म एज देयर टैक्स ऑडिटर, पर क्लाइंट के अदर फॉर्म स्टैचुटरी ऑडिटर ऑडिट तो है, बट क्लाइंट हैविंग अदर फॉर्म एज देयर टैक्स ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर में दूसरी फॉर्म से, इन द करंट ईयर मेनी एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैपन्स टू बी द स्टैचुटरी ऑडिटर हैव रिक्वेस्टेड द फॉर्म, उन्होंने फॉर्म को बोला टू कैरी आउट द टैक्स ऑडिट एज वेल, फर्म इज एक्सपेक्टिंग नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट, तो देखो 600 टैक्स ऑडिट आप ले सकते हो, बस ये है सीन, ये पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है। AOP प्राइवेट लिमिटेड करंटली इंगेज क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कंपनी तो टैक्स सेवी है ही और कंपनी इंगेज करती कंसल्टेंट, बिजनेस स्टेबल है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, कंपनी को रजिस्टर भी टाइम पर करवाया है, रिटर्न भी टाइम पर भरे हैं, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा तो फिर वो नॉन फाइलर हो जाएगा, ठीक है ये भी पड़ा हुआ है, रिपीटेड है, स्टार गोल्ड ऑटोमोबाइल कंपनी है, मल्टीपल ब्रांचेस है कंपनी, लोकल सेल और इंटरस्टेट सेल एक्सपोर्ट सब करती है, पर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 कंपनी अपॉइंटेड राम श्याम एसोसिएट जिसको टैक्स ऑडिटर जो GST ऑडिटर भी है, तो ठीक है फॉर कंडक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 राम श्याम एसोसिएट वाज द ऑडिटर फॉर स्टार गोल्ड इंटरप्राइजेस फॉर द लास्ट ईयर, तो स्टार गोल्ड इज एन ऑटोमोबाइल कंपनी हैविंग मल्टीपल ब्रांचेस, कंपनी लोकल सेल इंटरस्टेट सेल एक्सपोर्ट करती है, राम श्याम एंड एसोसिएट को अपॉइंट किया है टैक्स ऑडिटर जो GST ऑडिटर भी है, राम श्याम एसोसिएट टैक्स ऑडिटर है स्टार गोल्ड का फॉर द लास्ट ईयर ऑल्सो, पहले भी टैक्स ऑडिटर था उसने टैक्स ऑडिट स्टार्ट किया एंड GST ऑडिट विदाउट साइनिंग एनी न्यू लेटर ऑफ एंगेजमेंट, तो ये तो गलत कर दिया, न्यू लेटर ऑफ एंगेजमेंट तो साइन करना था। ऑल द ब्रांचेस ऑफ द कंपनी हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अमाउंटिंग टू 6 करोड़ और सारी ब्रांचेस रजिस्टर्ड है, न्यू ब्रांच ओपन हुई है 1920 में आगरा में, और इधर 3.2 करोड़ का टर्नओवर है। मैनेजमेंट ने राम श्याम से पूछा टू कंडक्ट GST ऑडिट ऑफ ऑल ब्रांचेस जिसका एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड ऑफ 5 करोड़ एक्सेप्ट फॉर दी आगरा ब्रांच, तो ये तो गलत है, आगरा ब्रांच का भी करना है। मैनेजमेंट इज श्योर टू अचीव दी टर्नओवर ऑफ आगरा ब्रांच एक्सीडिंग 5 करोड़ फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फर्दर ड्यूरिंग द करंट ईयर GST ऑफिसर ने नोटिस इशू करा है स्पेशल ऑडिट का, अब GST ऑफिसर ने नोटिस इशू करा है तो इधर लिखा हुआ है GST ऑफिसर ने नोटिस इशू करा स्पेशल ऑडिट का, GST ऑफिसर ने, अब ये असिस्टेंट कमिश्नर या उससे अबव होना चाहिए तभी वो
नोटिस इशू कर सकता है, राइट। और स्पेशल ऑडिट भी एट एनी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अभाव का नोटिस इशू कर सकता है। तो इधर GST ऑफिसर का ध्यान देना पड़ेगा या असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अभाव हो। द मैनेजमेंट ऑफ स्टार गोल्ड इंटरप्राइज हैज आस्क राम श्याम एसोसिएट टू टेक दिस असाइनमेंट ऑल्सो फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 एज देवर नॉट GST ऑडिटर ऑफ स्टार गोल्ड इंटरप्राइज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19। देखो बात 1920 की हो रही थी, बात 2021 की हो रही थी। तो अब देखो आपको 1920 के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया, आप पिछले साल भी टैक्स ऑडिटर थे पर आप GST ऑडिटर नहीं थे। तो अब ऐसे किसने बोला कि स्पेशल ऑडिट हो रहा है, स्पेशल ऑडिट का आया है 18-19 में, तो मैनेजमेंट ने बोला कि आप ऑडिटर नहीं थे, आप ही ऑडिटर हो जाओ, तो ये तो गलत हो जाएगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ GST ऑडिट 1920 जो रामश्याम 1920 में जो कर रहा था, एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन करी 2.5 लाख की जो पेबल है। तो देखो पे कर दो 9 के अंदर, नहीं तो ऑडिटर रिकमेंडेशन देगा 9C में, वैसे वो बाइंडिंग नहीं है मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि 0.5 लाख पे कर देते, मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे 0.5 लाख एज अकॉर्डिंग टू दैम, उनके हिसाब से द शॉर्टफॉल ऑफ GST पेड बाय द कंपनी विल नॉट एक्सीड 0.5 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। द कंपनी एक्सपोर्टेड ऑटोमोबाइल अमाउंटिंग टू 200 पाउंड। अब ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट किया, एक्सचेंज रेट शिपिंग बिल पे ये था, हम CBEC का रेट लेंगे। मैनेजमेंट ने बुक करी सेल्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट दी RBI का नहीं CBEC का रेफरेंस रेट लगेगा। द सेम एक्सचेंज रेट इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग GST रिटर्न, ये तो गड़बड़ हो गई। अब ये भी करेक्ट तो है नहीं, कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा फॉर फाइलिंग 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स मैनेजर कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल GST 9 एंड आर रिक्वायर्ड टू फाइल 9C अकॉर्डिंग टू मैनेजर, कि 9C फाइल करने की जरूरत नहीं है, 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है, 9C फाइल करना है क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। हाउएवर ऑडिटर का कंटेंशन सेम नहीं है, ये बोल रहे हैं कि दोनों 9 है, 9C फाइल करना है। और फिर ऑटोमोबाइल भी सप्लाई करता ऑटोमोबाइल 35 लाख का एजेंट को, सच सप्लाई एज ट्रीटेड एज टर्नओवर इन द बुक्स ऑफ स्टार गोल्ड इंटरप्राइज एंड ऑल्सो एडेड इन द टर्नओवर अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग GST रिटर्न। एजेंट को सप्लाई करना उसको टर्नओवर में गिन लिया गया, ठीक है, अकाउंट्स में फॉर द GST रिटर्न दोनों। और द कमीशन ऑफ 3.5 लाख इज शोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एजेंट को सप्लाई किया 3.5 लाख का जो कमीशन है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दिखाया। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टैक्स ऑडिट राम श्याम ने नोटिस किया कि स्टार गोल्ड इंटरप्राइज हैज मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टैक्स ऑडिट राम श्याम एसोसिएट नोटिस दैट स्टार गोल्ड इंटरप्राइज ने पेमेंट किया 5 लाख का टूवर्ड्स रेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल टू वाइफ, मतलब कि एक रिलेटेड पार्टी पेमेंट भी आ गया जो वाइफ ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर। टैक्स ऑडिटर आर कंसिडरिंग देयर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ले देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इन शॉर्ट मैं आपको बोल दूँ कि एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में बात हो रही है, 909C फाइल करना है कि नहीं करना है, RBI का रेफरेंस रेट इसकी बात हो जाएगी, और स्टैचुटरी GST ऑडिट स्पेशल ऑडिट के लिए स्टैचुटरी ऑडिटर को ही GST ऑडिटर बना दो स्पेशल ऑडिट के लिए इसकी बात हो जाएगी, सारे ब्रांचेस का ऑडिट होगा इस पर बात हो जाएगी, वो बिना लेटर ऑफ एंगेजमेंट साइन करें, मतलब कम से कम 6 क्वेश्चन होने चाहिए। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। ओके 6 ही क्वेश्चन निकले इधर। सबसे पहले आगरा वाला कंटेंशन सही है क्या? तो कंटेंशन तो सही नहीं है, ऑडिट तो कराना पड़ेगा। विथ रिस्पेक्ट टू द ब्रांच इन आगरा विद द कंटेंशन इज करेक्ट, कंटेंशन करेक्ट तो नहीं है। मैनेजमेंट इज, हाँ देखो ये हो सकता है, कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट करेक्ट, कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट करेक्ट, लो तो बी और डी बचते हैं। ये बोल रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर एंड अ पैन एक्सीडिंग 5 करोड़, अब ये बोल रहे हैं GST ऑडिट कंपलसरी है, तो बी आंसर आएगा। फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग स्पेशल ऑडिट राम श्याम असाइनमेंट ले सकता है? नहीं, कैन नॉट, ये तो सही है। अच्छा मतलब तीनों पॉइंट सही निकल सकता है क्योंकि कैन टेक बोला तो डी तो नहीं आएगा, ये तीन में से कोई सा एक आएगा, राइट। अब देखते हैं सबके रीज़न।
कैन नॉट टेक, वन सेकेंड, कैन नॉट टेक, कैन नॉट टेक, कैन नॉट टेक। तो दो असाइनमेंट ज़्यादा नहीं ले सकते, तो फालतू की बात है। ये बोल रहा है कैग अपॉइंट करते, ऐसा नहीं, कमिश्नर अपॉइंट करते, असिस्टेंट कमिश्नर है उसके पास। ओके, सी आंसर आना चाहिए। ओके, थ्री, कंटेंशन मैनेजमेंट का करेक्ट नहीं है। सबसे पहली बात तो करेक्ट बोले तो ये गलत हो गया, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये करेक्ट है, ये गलत हो गया, बी और सी में से आना चाहिए। अब ये बोल रहा है, सॉरी नॉट करेक्ट, वो नॉट करेक्ट इसलिए बोल रहा है कि 9 and 9 से जरूरी है इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। ये बोल रहा है कि नॉट करेक्ट। ओके, 9 और 9 से दोनों बोला इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, ऐसा नहीं है, 9 सी टर्नओवर के रिस्पेक्ट में कि 9 इज टू फाइल्ड बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्सन, 9C में एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है, तो ये सही है। ये इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, ये तो गड़बड़ हो गई, राइट, 9C तो फाइल करना ही पड़ता है। अगर आपने देखा हो, वन सेकेंड, देखो अब विथ, हाँ ठीक है, अगर हम एजेंट को सप्लाई कर रहे हैं तो 35 लाख जो है पर्टिकुलर टर्नओवर में इंक्लूड होगा, और GST रिटर्न फाइलिंग में भी इसमें इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड तो होने से रहा, इधर भी बोला इंक्लूड करेंगे, इधर भी बोला इंक्लूड करेंगे, पर वो बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट टू रिटर्न अप्रूवल, ये तो फालतू की चीज़ें। अब ये बोल रहे हैं कि इंक्लूड करेंगे इन द टर्नओवर ऑफ स्टार गोल्ड इंटरप्राइज, हाउएवर द सेम शुड बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ एजेंट, बोला है हाउएवर द सेम शुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ एजेंट मिस्टर गणेश टर्नओवर एंड नॉट द पार्ट ऑफ टर्नओवर ऑफ स्टार गोल्ड। ये बोल रहे हैं कि तो गणेश का टर्नओवर है, स्टार गोल्ड का नहीं, तो ये तो गलत है, ये प्रिंसिपल का ही टर्नओवर है बाय डिफॉल्ट। फॉरेक्स रेट की अगर हम बात करें तो जो, वन सेकेंड, तो फॉरेक्स रेट की अगर हम बात करें तो CBEC रेट लेंगे, RBI नहीं, CBEC रेट लेंगे, और एक्सचेंज रिटर्न। अब समझो एक्सचेंज रेट फॉर द पर्पज ऑफ बुकिंग सेल, जब सेल बुक कर रहे तो RBI, और GST रिटर्न के लिए CBEC। देखो ये तो सही है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि RBI रेफरेंस रेट शुड बी यूज एज एक्सचेंज रेट फॉर द पर्पज ऑफ बुकिंग सेल एंड फॉर द पर्पज ऑफ GST, तो ये तो होगा नहीं। CBEC दोनों के लिए यूज़ करो, ये भी नहीं होगा, एक्सचेंज रेट के लिए ये CBEC यूज़ करो, GST के लिए RBI, ये भी नहीं है। जो सही है वो ऊपर था, इंगेजमेंट लेटर। अब इंगेजमेंट लेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंगेजमेंट लेटर, इंगेजमेंट लेटर सेपरेट तो होना चाहिए, पर इन्होंने तो भैया क्वेश्चन अलग बोला है, आंसर अलग डाल दिया। अभी तो हम रिलेटेड पार्टी की बात कर लेते हैं, और रिलेटेड पार्टी क्लॉज 23 है, तो टैक्स ऑर्डर को वो रिलेटेड पार्टी पेमेंट की बात कर रहे हैं कि वो रेंट पे करा है कॉन्फ्रेंस हॉल का डायरेक्टर की वाइफ को, तो ये रिलेटेड पार्टी पेमेंट है, तो ये तो करना पड़ेगा, तो 42(2)(b) में कवर होगा। तो इस तरीके से हमारा ये भी MCQ होता है। ओवर इन केस रजिस्टर्ड पर्सन, अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो दोनों फाइल करो 9 और 9C। इन केस GST ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज़, देखो टैक्स अथॉरिटीज़ कर दिए, मतलब 65 क्या लिखा हुआ है कि GST ऑडिट टैक्स अथॉरिटीज़ कर रही है, द रजिस्टर पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड। अब हम टैक्स अथॉरिटीज़ को करना है GST ऑडिट, तो इन्फॉर्म करेंगी, तो इन्फॉर्मेशन देगी 15 दिन का, ताकि जो है वो बुक्स रेडी करके रखे, और वो ऑडिट कंप्लीट करना पड़ता है 3 महीने में, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू मोर 6 मंथ, तो 15 दिन में। मैसेज जामवन जिम्स, 4 ब्रांच है, ब्रांच वाइज टर्नओवर तो 5 करोड़ के ऊपर जा रहा है, तो सभी का होगा ऑडिट। अगला क्वेश्चन, AV मैन्युफैक्चरिंग केमिकल है, नेटवर्थ 700 करोड़ है, मतलब कि ठीक है ओके, कंपनी प्रिपेयर करी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन डेज से फॉर द पर्पज ऑफ 3CD, मैनेजमेंट डिड नॉट आइडेंटिफाई एनी आइटम विच मे रिक्वायर एडजस्टमेंट, पर मैनेजमेंट को कोई आइटम ऐसे दिखे नहीं जिसमें एडजस्टमेंट जरूरत होगी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इन डेज एंड ICDS। हाउएवर टैक्स ऑडिटर, देखो मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई नहीं हुआ, टैक्स ऑडिटर डिड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, उसने कुछ आइडेंटिफाई करा है, वो रिपोर्ट करा है 13E में, और जो कि होता ही है 13E में, ये सारे एडजस्टमेंट होते ही है,
द फर्दर टैक्स ऑडिटर आर ऑल्सो व्यू दैट डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ ICDS मेड इन क्लॉज 13 देखो एडजस्टमेंट एंड देन डिस्क्लोजर एडजस्टमेंट करे देन डिस्क्लोजर तो डिस्क्लोजर करे है ऑल्सो व्यू दैट द डिस्क्लोजर मेड इन ICDS शुड बी मेड इन क्लॉज 13F डिस्क्लोजर 13F में दो और फॉर्म 3CD विच द मैनेजमेंट हैज़ नॉट डन इन दिस केस प्लीज सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी करेक्ट ये बोल रहे हैं कि अगर एडजस्टमेंट है तो डिस्क्लोजर दो तो इफ द इम्पैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू ICDS अगर ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करे है मटेरियल है तो वो रिपोर्ट होगा 3CD में और डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ ICDS शुड इन एनी केस बी गिवन इन फॉर्म 3CD क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है कि जब टैक्स ऑडिटर ने कुछ आइटम्स आइडेंटिफाई करे हैं रिपोर्ट कराए 13E में तो डिस्क्लोजर तो होगा ही होगा दूसरा बोल रहे हैं कि एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू ICDS जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करे अगर वो इमटेरियल है इवन देन सच एडजस्टमेंट नीड टू बी रिपोर्टेड वो पहले एडजस्टमेंट आपको रिपोर्ट तो करने पड़ेंगे 3CD में डिस्क्लोजर देना आपकी चॉइस पे देखो मटेरियल है तभी रिपोर्ट करना है तभी आपको वो जो एडजस्टमेंट है वो शो करना है और डिस्क्लोजर तो एनी केस करना ही है ये बोल रहे हैं बोथ द इम्पैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू ICDS जो आइडेंटिफाई बाय ऑडिटर भले वो मटेरियल हो इमटेरियल हो देखो इम्पैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू ICDS जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करे भले मटेरियल हो इमटेरियल हो डिस्क्लोजर मैंडेटरीली करना पड़ता है और INDAS एंड ICDS डोंट हैव एनी डिफरेंसेस तो ये तो बोल रहे हैं कि असेसमेंट ऑडिटर का इनकरेक्ट है तो ये तो बेवकूफ़ी कि ऑडिटर का असेसमेंट इनकरेक्ट है और वो बोल रहे हैं कि एडजस्टमेंट इमटेरियल हो तो भी रिपोर्ट करना पड़ेगा 3CD में तो ये तो गलत है मटेरियल ही रिपोर्ट करना पड़ेगा अब वो बोल रहे हैं बोथ द इम्पैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट क्या लिखा है बोथ द इम्पैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू ICDS जो आइडेंटिफाई करे ऑडिटर ने वेदर मटेरियल इमटेरियल देखो एंड डिस्क्लोजर नीड्स टू बी मैंडेटरी रिपोर्टेड इन फॉर्म 3CD वो बोल रहे हैं कि बोथ जो मटेरियल इम्पैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर वो दोनों मैंडेटरीली बताना पड़ता है देखो इम्पैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट मटेरियल हो तो ही बताना पड़ता है ओके OSK लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 फरवरी द कंपनी चूज टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी एक्ट तो OSK इनकॉर्पोरेट हुई है 15 फरवरी को कंपनी चूज टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी एक्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 15 फरवरी टू मार्च ओके ठीक है इनकॉर्पोरेट ही तभी हुई ये इसका फर्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड है टर्नओवर 6 करोड़ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज टू 50 करोड़ कंपनी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 बिफोर 30 सितंबर तो ड्यू डेट के पहले ही करा द कंपनी वुड प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 15 फरवरी टू 31 मार्च और ऑडिट करवाया स्टैट्यूटरी ऑडिटर से अब क्या करेक्ट है तो ऑडिट तो करा लेना चाहिए एग्जाम तो होने सरा कवर्ड तो होगा 19-20-21 3CA अभी बोल रहा 3CA कायदे से ये कंपनी है और कंपनी चूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज एक्ट ये फर्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड द कंपनी का टर्नओवर 6 करोड़ है कंपनी ने फाइल करा इनकम टैक्स रिटर्न राइट टर्नओवर 6 करोड़ है जो 50 करोड़ तक चले जाएगा देखो समझो OSK इनकॉर्पोरेट है 15 फरवरी को कंपनी चूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज एक्ट अब कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो वहाँ पे तो ऑडिट होता है ठीक है फॉर द पीरियड 15 फरवरी से मार्च एज इट्स फर्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड कंपनी का टर्नओवर 6 करोड़ है विच इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 50 करोड़ 6 करोड़ है मार्च 2020 में मतलब 19-20 में जो है अभी 6 करोड़ है और जो है 2021 में वो बढ़ जाएगा कंपनी फाइल इट्स इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 ठीक है रिटर्न तो फाइल कर दिया था अब कंपनी वुड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 15 फरवरी टू 31 मार्च समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है कि द कंपनी वुड प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब इधर इन्होंने क्या करा है कि 3CA कायदे से जाना चाहिए था पर इन्होंने इधर लिख दिया कि द कंपनी वुड बी कवर इन टैक्स ऑडिट ये टैक्स ऑडिट में कवर है और ओके ये बोल रहे हैं प्लीज सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी करेक्ट
द कंपनी वुड बी कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट, ये टैक्स ऑडिट में कवर है, ये टैक्स ऑडिट में कवर है। अब 19, 20, 21 दोनों बोल के रखा है। अगर 2021 की बात करें तो उसमें सिर्फ यही बोला है कि एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 50 करोड़, ये तो 50 करोड़ तक हमको उम्मीद है कि चले जाएगा। एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 50 करोड़, एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 50 करोड़ है, उसको लग रहा है 50 करोड़ पे चले जाएगा 2021 में, पर गया थोड़ी सा। ठीक है, अगर हम देखें तो इनकॉर्पोरेट हुई है 20 में, ओके टर्नओवर इनकॉर्पोरेट हुई है 20 में, तो 31 मार्च 20 तक इन्होंने बता दिया था कि 6 करोड़ है, तो 19-20 तो समझ में आ रहा है, 2021 में उसको लग रहा है कि हो जाएगा, ये नहीं बोला कि हुआ है। अब समझो एक चीज़ और, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 20 में, तो उन्होंने 15 फरवरी 20 से 31 मार्च 21, तो ये तो ध्यान देना कि 15 फरवरी से 31 मार्च 20 नहीं है, 31 मार्च 21 है फर्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड था। टर्नओवर 6 करोड़ है 20 तक, राइट, और एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 50 करोड़ फॉर द टर्नओवर फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 20 to 21। अब जब हो गया तो ये भी हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न इज 20 का फाइल कर दिया ड्यू डेट पे। द कंपनी वुड प्रिपेयर इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 से 21, उस स्टैट ऑडिटर से ऑडिट भी करवाएगा, पर 20 का रिटर्न फाइल कर दिया, 20 का अगर देखें तो रिटर्न फाइल कर दिया। बाकी कंपनी वुड प्रिपेयर इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ 20 से 21 एंड गेट देम ऑडिटेड बाय स्टैचुटरी ऑडिट। वो बोल रहा है कि स्टैचुटरी ऑडिट करवाएंगे 2021 का, मतलब कि 15 फरवरी 20 से 21। देखो ये भी है कि कंपनी ऑडिट में, कंपनीज एक्ट में 15 फरवरी 20 से 31 मार्च 20 तक का तो ऑडिट होने से रहा, फर्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड तो 12 महीने से ज़्यादा का हो सकता है, पर रही बात टैक्स ऑडिट की तो टैक्स ऑडिट तो दोनों साल का रहेगा। पर ये बोल रहे हैं कि दोनों साल 3C भी जाएगा, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि कायदे से अगर टैक्स ऑडिट में कवर है 19, 20, 20, 21 में 3C भी जाना चाहिए था, 2021 में 3C जाएगा क्योंकि स्टैचुटरी ऑडिट होगा, तो ये क्यों नहीं है। ठीक है, तो क्लैरिटी आएगी तो मैं इसमें आपको बताऊंगा। स्पेशल ऑडिट की अगर हम बात करें तो स्पेशल ऑडिट जो है, जैसे हमारा नॉर्मल जो ऑडिट होता है वो 3 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 6 मंथ, ये 90+90 डेज है अगर आपको बताओ तो, ये 90 डेज है विच में फर्दर एक्सटेंड टू 90 डेज, तो ये 90 डेज में हो जाना चाहिए। और देखिए वो ज़्यादा प्रॉपर इधर देख रखा है, अब वही 10 पार्टनर है तो 600 टैक्स ऑडिट कर सकते हैं, और अगर आपने जो है नोटिस देने के बाद भी रिटर्न फाइल नहीं कराया तो आप नॉन फाइलर हो, नॉर्मल था ये तो लिखा हुआ है कि ठीक है नॉन फाइलर हो जाएगा। इस तरीके से हमने GST ऑडिट और इनकम टैक्स ऑडिट के सारे MCQs करे हैं। होप्स आपको वीडियो सही लगा होगा। एक क्वेश्चन पे जो है मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन में, बट जैसे ही क्लैरिटी आती है मैं इस पर आपको बताता हूँ। होप्स वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल CATV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है पीयर रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे। राइट, बाय।